चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। जीजाऊ संस्था द्वारा भाव बीज के पावन अवसर पर आशा वर्करों को किया गया मुफ्त साड़ी वितरण। जीजाऊ संस्था के अध्यक्ष श्री नीलेश सामरेजी की पहल से ठाणे पालघर जिले के कोरोना योद्धा नर्स आशा वर्कर्स पुलिस को भाव बीज के अवसर पर पैठणी साड़ी भेंट दी जा रही है। भिवंडी शहर के आशा वर्कर्स को साड़ी भेंट दी गई। इस मौके पर भिवंडी वॉरियर्स के फूल सिंह, अल अंसार के शाहिद भाई, रवीश दूरू भाई, कोकणी ट्रस्ट के शिमाद भाई, वुमेन राइट के जब्बार भाई, जीटी फाउंडेशन से फुजैल भाई मौजूद रहकर आशा वर्कर्स को अपने हाथों से साड़ी बांटी। रिपोर्टर आशीष राजभर। थाने पालघर जिले में जीजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था के तरफ से नीले सामरे सर ने अपनी बहनों के लिए पैठनी साड़ी यानी भाऊबीज के जो त्यौहार होता है, भाई अपने बहनों को गिफ्ट दिया करता है, वैसे ही सामरे सर ने अपनी बहनों को यानी कि कोरोना योद्धा जिसमें आशा वर्कर, पुलिस और नर्स, डॉक्टर, उन लोगों को साड़ी बांटने का प्रोग्राम रखा गया था। भाऊबीज के तौर पर संस्था के तरफ से पूरे दोनों जिलों में 10,000 साड़ी आई, वो 10,000 साड़ी बांटने का प्रोग्राम रखा गया। उसमें से भिवंडी शहर के हमारी आशा वर्करों को भी आज साड़ी बांटने का प्रोग्राम था, जिसमें हमारे भारतीय सेना के सैनिक यहाँ पर मौजूद थे। अल अंसार से राशि सर और कोकनी ट्रस्ट से हमारे शिमा सर और उदैल भाई, ऐसे पूरे यहाँ पर भिवंडी शहर के NGO के हाथों के जो प्रेसिडेंट हैं उनके हाथों से ये प्रोग्राम यहाँ पर मुकम्मल हुआ। मैं सभी आशा वर्करों का और आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, तकरीबन कितने लोगों को साड़ी बांटी? तकरीबन मैंने बताया भिवंडी शहर में 300 लोगों को साड़ी बांटने का प्रोग्राम हुआ है। आज इस कार्यक्रम में कितने लोगों को साड़ी बांटी? यहाँ पर टोटल 70 लोगों को साड़ी बांटी। सर, जीजाऊ शैक्षणिक एक सामाजिक संस्था महाराष्ट्र का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मतलब इस पुण्य कार्य में हमको इन्वाइट किया और हमको इस भागीदार बनाया। मतलब देश सेवा तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन वो तो हमारा एक फर्ज है, जो हमने ज्वाइन किया है वो हम अदा कर रहे हैं। लेकिन समाज कार्य तो इस संस्था के थ्रू आज हमने जो किया,
ये मतलब बहुत हमको एक अच्छा लगा और दिल की खुशी मिली क्योंकि हमने भी देखा, हम रक्षाबंधन पे भी घर पे नहीं आ पाते, दिवाली पे भी घर पे नहीं आ पाते, तो कई जगह शहरों पे देखा, बॉर्डर पे देखा, वहाँ की जो बहनें होती है स्कूल में पढ़ने वाली होती है वो आके हमको राखी बांधती है। तो ऐसे ही आज हम इन आशा वर्कर बहनों के साथ जो हमने इनको एक साड़ी प्रदान की, तो ऐसे हमको एक वो चीज़ हमको फील हो रही है कि आज हम अपनी बहनों को एक सचमुच जीजाऊ संस्था की तरफ से उनको गिफ्ट कर रहे हैं। आज का हमारा कार्यक्रम है, पिछले दो हफ्ते से चल रहा है कि दिवाली स्टार्ट हुई, भाऊ बीज का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, थाने और पालघर डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल से इस साल से आगे जाके प्रोग्राम चलता ही रहेगा। 10,000 जो कोरोना योद्धा है, आशा वर्कर से, नर्सेस से, महिला पुलिस से, इन लोगों को साड़ियाँ, पैठनी साड़ी दी जा रही है। भिवंडी के प्रोग्राम में अभी तक 300 आशा वर्कर महिला पुलिस नर्सेस को साड़ियाँ दी जा रही है। आज का प्रोग्राम ये जो पिछले साल कोरोना के टाइम पे जो आशा वर्कर की बहुत अच्छा काम किया, जब हम सब घरों में बैठे थे तब आशा वर्कर टीम में काम कर रही थी और हमारे जो बेटर है वो हमारी सेवा में थे। ये आशा वर्कर का एक सम्मान करना चाहिए, इसलिए आज हमने पुराने आशा वर्कर को इकट्ठा करके 70 आशा वर्कर आज साड़ी देने का काम किया। सर ने उपहार उनके लिए भेजा है भाऊ बीज के तौर पर, उन्हें पहुँचाने का हम माध्यम बन के सभी मेहमानों ने और हमने ये काम किया। शुक्र गुजार हूँ कि हम लोग को सब आशा लोग को एक जगह बुलाए, इतनी इज्जत हम लोग को दिए, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले हम लोग खास आशा के लिए ऐसे कोई प्रोग्राम कभी नहीं रखे, सिर्फ काम 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 हम लोग ही कंटाल देते है ना, सब कंटाल कहते हैं। अभी कोरोना जब से तो एक तरीका हम लोग को काम करना था, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को ये भाव बीच की तरफ से हमारे भाई लोगों ने हम लोग को साड़ी दिए और मेन करते थे ये जो जवान हमारे घर से आए, मुझे बचपन से बहुत शौक था। स्कूल में भी मेरे कुछ फंक्शन रहता था 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो मैं तो फौजी का ही कैरेक्टर करती थी, मुझे बहुत पसंद था। बड़े होके भी ऐसी सोचे थे लेकिन नहीं हुआ, कुछ बनना चाह रहे थे कुछ और बन गए। ये भाई लोग बहुत ही हिम्मत, इनके घर वालों की जो ये लोग भेजते हैं इनको भेजे, हमारे तो थोड़ा भी झगड़ा होता तो भाई को हस्बैंड को सबको फोन करने लगते, बाबा किधर हो तुम, घर पे आओ। लेकिन ये भाई के घर वालों की बहुत हिम्मत है जो इनको बॉर्डर पे भेजते हैं। ये भाई लोग शुक्र गुजार हूँ दिल से, और आप सब लोगों का और ये जो जय पूछता है जो हमारे लिए इतना सब की, इनका भी बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं। नमस्कार आणि त्यांचा धन्यवाद पण करते, आम्हाला सगळ्यांना एवढं मान दिला, एवढा मान आतापर्यंत मी 2 वर्ष काम करते पण कुठेच मिळाला नाही, तो आता भेटलेला आहे। आम्हाला सगळ्या आशांची तरफ से तुमच्या सगळ्यांना धन्यवाद करते।